बापू ये बुके मेरे को दे दे। ओए अभी तू भी स्टेज पे आ जा। ला भाई पप्पू ये तेरी बादरी के लिए। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ब्लिसफुल मॉर्निंग, स्पिरिचुअल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओहो पप्पू, मेरी पगड़ी के रंग जैसे तूने इतनी फर्स्ट क्लास शर्ट पहनी है, क्या चमक दमक रहा है तू। ओ किधर जा रहे है? अरे भाई सोड़ी, कभी भी बुलावा आ सकता है, इसलिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ओ करेक्ट क्या पप्पू, ओ बुलावा कभी भी आ सकता है, आजकल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ओ भाई सोड़ी, मैं उस बुलावे की बात नहीं कर रहा हूँ, शादी के लिए आने वाले रिश्ते के बुलावे की बात कर रहा हूँ। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। क्या बात है, परफेक्ट। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। छोड़े, मेरी शादी के लिए आने वाले रिश्ते को तो मुसीबत क्या रहा? ओ नाना पप्पू, शादी तो बहुत अच्छी चीज है। ओ इधर देख, ओ पिरू ने क्या फर्स्ट क्लास अपना तुन सुविचार लिखा है। ओ पिरू क्या बढ़िया सुविचार लिखा है यार, मजा आ गया, दिल खुश कर देता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बढ़िया, एकदम नेगेटिव सुविचार। भिड़ो, तू कब से नेगेटिव सुविचार लिखने लगा? पोपटलाल ठीक से पढ़ो, ये सुविचार नेगेटिव नहीं है। मतलब भले ही बाहर से पढ़ने में नेगेटिव लग रहा हो, लेकिन अंदर से इस विचार में काफी पॉजिटिविटी है। ओ भाई भिड़े, ये अंदर बार समझने का टाइम किसके पास है? तूने खुला खुला लिखा है कि मुसीबत हमेशा अचानक आती है और मुसीबत नेगेटिव होती है, होती है कि नहीं सोड़ी? करेक्ट है बाबू। भिड़ो, बाबू की बात में दम है। अरे कसला दम है? दम दम है भिड़े, तू एक शिक्षक होने के बावजूद अंधश्रद्धा और अफवाह को समाज में फैलाकर लोगों को डरा रहा है, खौफ पैदा कर रहा है। पोपटलाल, सुविचार में अंधश्रद्धा और अफवाह फैलाने की बात कहां से आ गई भाई? मैं खुद अंधश्रद्धा और अफवाह फैलाने का विरोधी हूँ। भिड़े, तू किसका विरोधी है ये मैंने नहीं पूछा है? तूने जो सुविचार लिखा है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। ये सुविचार नकारात्मक है, नेगेटिव है, इसलिए इसे अभी के अभी कैंसिल करो। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। पोपटलाल, अरे भाई सुविचार को ठीक से पढ़ो, शांति से समझो, इसके एक एक शब्द की गहराई को समझो। मैं समझा, क्या लिखा है मैंने? मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। पोपटलाल, मुसीबत के कई मायने होते हैं। मुसीबत यानी अड़चन, कठिनाई, टेंशन, परीक्षा। मुसीबत का दूसरा अर्थ चुनौती भी हो सकता है, और चुनौती भी कई प्रकार की होती है। यानी कि इंसान के जीवन में कहीं भी कभी भी किसी भी मोड़ पे मुसीबत आ सकती है, इसीलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। आई बात समझ में? कमाल है पढ़ो, तू तो सवेरे सवेरे हमारी क्लास लेने लग गया यार। और नहीं तो क्या, तो भाई क्लास छूट गई, आप लोग जाइए। थैंक यू। अरे सोड़ी, मैं तो पोपटलाल को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा था। पोपटलाल एक भी छाता दो। क्यों? अरे दो एक मिनट। अभी जैसे पोपटलाल बारिश के सीजन में बारिश ना होते हुए भी छाता लेकर निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो आने वाली मुसीबत के लिए तैयार है। ओ पिड़ो, ओ बारिश का सीजन ना हो तो भी पोपू छाता लेकर निकलता है, तो इसका मतलब मुसीबत के लिए पोपू डबल तैयार है। वो कैंटी बज रही है पोपू, फोन चाक। हेलो हेलो, क्या मैं पोपटलाल जी से बात कर रही हूँ? जी आप तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल से ही बात कर रही है, आप कौन? जी मैं लता, मैचमेकिंग मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। क्या? मैचमेकिंग मैरिज ब्यूरो से फोन है? अरे वाह। जी जी जी, कहिए लता जी। पोपटलाल जी, क्या आप अभी अर्जेंट हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकता हूँ। थैंक यू पोपटलाल जी, हम आपका इंतजार करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा, बस मैं पहुँच ही रहा हूँ। चल 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 भिड़े, जल्दी से अपना स्कूटर निकाल। अचानक क्या हुआ, कहाँ जाना है? अरे मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो वालों ने अर्जेंट बुलाया है, तू जल्दी से चाबी निकाल और स्कूटर चालू कर। चल चल चल। अरे सुन तो, पोपो अभी तेरी नहीं सुनने वाला। ये तो छाता खोल के बैठ भी गया। ये तो तेरे स्कूटर पे ऐसे बैठ गया है जैसे शादी की घोड़ी पे चढ़ गया हो। अरे भाई भिड़े, जल्दी कर, लेट हो रहा है। हाँ मुसीबत है। मुसीबत हमेशा अचानक आती है,
इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। मेरा सुविचार मेरे ही गले में अटक गया। आजा, आजा। वाह 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 वाह, बिड़े कुछ समझ में आ रहा है क्या? अर्जेंट क्यों बुलाया था? क्यों भाई, इतने सारे रिश्ते आए ना, तो लाइफ सेट हो ही जाएगी। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जा जाके बात कर। एक्सक्यूज मी, आपने अभी अभी पत्रकार पोपटलाल जी को फोन किया था ना? जी हाँ, तो आप ही पत्रकार पोपटलाल? नहीं 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 नहीं, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे खास दोस्त, मेरे साथ आए हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। ओ अच्छा, तो ये लीजिए। ये क्या है? ये मैरिज ब्यूरो का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अरे नहीं नहीं, मेरी शादी तो हो चुकी है। मेरी तो बेटी भी है, सोनू। अच्छा, तो बेटी का रजिस्ट्रेशन कराना है? अरे अरे, उनको किसी के लिए फॉर्म नहीं भरना है, उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है। मैं कुंवारा हूँ, ये मेरे साथ आया, मैंने बताया ना। इनमें से मुझे पहले किसको मिलना है? लेकिन आपको इनसे क्यों मिलना है? रिश्ते के लिए, मिलेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी ना। सॉरी पोपटलाल जी, हमने आपको यहाँ रिश्ते के लिए नहीं बुलाया है। तो दरअसल आपकी मेंबरशिप पिछले 8 दिन से डीएक्टिवेट हो गई है। अगर आपको अपना अकाउंट चालू रखना है तो मेंबरशिप रिन्यू करनी होगी। अब समझ गए पोपटलाल? क्या नहीं, अर्जेंट में क्यों बुलाया? अच्छा बताइए कितना भरना है? 5,000 रुपए। 5,000? आहिस्ता बोलो सब। सिर्फ 5,000? पिछले साल तो 3,000 थे ना, एक साल में आपने 2,000 बढ़ा दिए। किस हिसाब से? लाइफ इंश्योरेंस में कैसे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे प्रीमियम बढ़ता है। वैसे शादी के मामले में जैसे जैसे कैंडिडेट की उम्र बढ़ती है वैसे हमारा काम बढ़ता है, और उनके लिए रिश्ता ढूंढने में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब अगले साल 7,000 भरने पड़ेंगे? नहीं, जस्ट एक कैलकुलेशन। वैसे ये ठीक नहीं है मैडम, पिछले एक साल में आपके मैरिज ब्यूरो से मुझे एक भी कॉल नहीं आई, आपने एक भी मीटिंग नहीं कराई, और अब एक साल में सीधा 2,000 बढ़ा दिया, 3,000 से 5,000। देखिए, पिछले एक साल में तकरीबन 18 से 20 लड़कियों के घर वालों को हमने आपका बायोडाटा भेजा था, लेकिन किसी का पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया, तो हम कैसे आपकी मुलाकात किसी से भी करवा सकते हैं? अरे भाई, जब आप जोड़ी नहीं बना सकते तो फीस किस चीज की लेते हैं? अरे पोपटलाल शांत हो जाओ भाई। अरे क्या शांत हो जाओ भाई, जो गलत है वो गलत है। शांत हो जाओ, यहाँ पे काफी सारे रिश्ते हैं। अरे तो क्या हुआ, एक भी रिश्ता मेरे लिए नहीं आया? देखिए पोपटलाल जी, अगर आपको अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं करवानी है तो हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, हम हमारे डेटा से आपका नाम डिलीट कर देंगे और आगे से आपका बायोडाटा किसी भी लड़की वालों को नहीं भेजेंगे। नहीं 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 नहीं, आप तो नाराज हो गई। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरी मेंबरशिप 8 दिन पहले एक्सपायर हुई थी, तो आपको 8 दिन पहले कॉल करना चाहिए था ना। इन 8 दिनों में पता नहीं कितने रिश्ते आकर गए होंगे। कोई बात नहीं, आप मेरा अकाउंट बिंदास रिन्यू कर दीजिए। ओके। कितना पे करना है? 5,000। इतना कैश तो नहीं होगा, मैं कार्ड से पे कर देता हूँ। सॉरी सर, मशीन खराब है। अरे बाप रे, तो अभी चलो। अरे एक मिनट बेटे, मेरे पास 2,000 है, तेरे पास कितने है? मेरे पास मुश्किल से 1,000 ही है बस। 1,000 ही बस। अच्छा, अरे उधर अंदर देख ना, अंदर रखे होंगे तूने। हाँ मतलब है, 500 है। हाँ। और ये क्या है? वो इमरजेंसी के लिए रखे थे मैंने पोपटलाल। कोई बात नहीं भाई, ये भी इमरजेंसी है ना। कितने हुए? लेकिन फिर भी 4,000 हुए। एक काम करते हैं ना, कल आते हैं ना। अरे क्या कल आते हैं भाई, 24 घंटे में 24 लड़कियों के रिश्ते आ सकते हैं। वाह, एक साल में नहीं आ रही, 24 घंटे में 24 लड़कियां आएंगी। अभी क्या करना है फिर, 1,000 कहाँ से आएंगे? एक मिनट। ये कहां से है? इमरजेंसी मनी। मैडम ये लीजिए, ये हो गए आपके पूरे 5,000। अकाउंट रिन्यू कर दीजिए। ओके सर। सर आप वहां से अपनी रिसिप्ट ले लीजिए
मैं आज से ही आपका बायोडाटा फिर से सर्कुलेट कर देती हूँ और जैसे ही कोई रिस्पॉन्स आएगा मैं आपको कॉल करूंगी। थैंक यू। याद से कॉल करना और इस बार मेहनत थोड़ी ज्यादा कीजिएगा। हाँ हाँ करती हूँ, काम से। यस यस सर। ओके। हेलो हेलो हाँ हाँ अली भाई, हाँ आ रही है आवाज अभी मेरी? हाँ हाँ आपकी तो आ रही है बराबर एकदम। आज बोलिए बोलिए। हाँ ऑर्डर मिल गया। हाँ आपके मीरा रोड वाली फैक्ट्री में 20 फिट करने बराबर? नहीं नहीं आज ही डिलीवरी भी हो जाएगी और फिटिंग भी आज ही हो जाएगा। हाँ अरे अली भाई आप, अरे पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं आपके? आप आराम से सारजा से आ जाइए, बाद में बैठ के हम लोग हिसाब कर लेंगे। ओके ओके। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हाँ जी ओके ओके ओके। अरे ये दोनों सुबह सुबह कहाँ से आ रहे? क्या भिड़े सुबह सुबह कहाँ से आ रही है सवारी? अरे भाई भाई साहब को मैरिज ब्यूरो से अर्जेंट फोन आया था तो उधर से ही आ रहे। ओ हो हो तो हो गई बात पक्की? अरे नहीं नहीं रिश्ते के लिए नहीं बुलाया था। हो? भाई साहब की मेंबरशिप खत्म हो गई थी ना मैरिज ब्यूरो की, तो उसको रिन्यू करने के लिए बुलाया था अर्जेंट, सुबह सुबह 5,000 का खर्चा। अरे भिड़े इसको खर्चा नहीं बोलते भाई, इसको तो इन्वेस्टमेंट बोलते है। काय की इन्वेस्टमेंट जेठालाल, तुम तो व्यापारी हो, तुमको मालूम है इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मतलब जहाँ पे रिटर्न मिलता है। अरे इसे पूछो इतने सालों से अलग अलग मैरिज ब्यूरो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिटर्न में कुछ मिला अभी तक? उल्टा हर मैरिज ब्यूरो से खाली हाथ ये रिटर्न आया है। अरे भाई जैसे धंधे में इन्वेस्टमेंट करने के बाद थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है, वैसे शादी के मामले में भी धीरज रखनी पड़ती है। देखना एक न एक दिन मेरा इन्वेस्टमेंट तगड़ा रिटर्न लाएगा। भाई सब्र का फल मीठा होता है। क्यों? मुंह में दांत रहे तब तक फल मिल जाए तो अच्छा है। नहीं क्या 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 भीड़ ए, ये गलत है भाई। सिर्फ शादी को लेकर ये बेचारा हमेशा हकारात्मक होता है, उसमें भी तू नकारात्मक की पिन मार रहे। नहीं नहीं पोपटलाल बराबर है, सब्र का फल मीठा होता है, लगे रहो, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। ऑल बेस्ट। थैंक यू भीड़े, तू भी बोल दे ऑल बेस्ट। काई फायदे ने ऑल द बेस्ट बोल रहे? क्या 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 बोला? नहीं कुछ नहीं कुछ। तो बोल ऑल द बेस्ट बोल। क्या है ना सब लोग मुझे बार बार ऑल द बेस्ट बोलते रहेंगे ना तो मेरे आस पास पॉजिटिविटी का लेयर क्रिएट होगा और मेरे जीवन में पॉजिटिव चीजें होती रहेंगी। समझा? ओह समझ गया समझ। समझा फिर भी ऑल द बेस्ट नहीं बोल रहा? अरे ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तुम्हारे लिए दिल से प्रार्थना शुभेच्छा गुजारिश दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हें एक सुंदर सुशील संस्कारी पत्नी का साथ मिले और जल्दी ही शीघ्र तुरंत ताबड़तो फास्ट तुम्हारे शादी का सपना इच्छा गुजारिश पूरी हो जाए। इतना सब कुछ बोला लेकिन ऑल द बेस्ट नहीं बोला। अरे ऑल द बेस्ट। अरे भाई एहसान कर रहा है, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर बोलना है ऑल द बेस्ट तो दिल से बोल। ये काय माणूस से मागीस लागला या। चलो भाई ओ मैं चलता हूँ, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे बोल देना सीधा ऑल बेस्ट भाई। भाई मुझे भी लेट हो रहा है, हाँ बाद में बोलता हूँ। ओके अरे ऑल द बेस्ट बोलो। बोला ना ऑल द बेस्ट, कितनी बार बोलो अभी ऑल द बेस्ट। ओके चला भाई दया जल्दी चाय नाश्ता। चाय नाश्ता? अरे दया आई आई। अरे चाय नाश्ता कहाँ है? बस आप 2 मिनट बैठिए, मैं फटाफट आपके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। बना कर लाती हूँ? तो अब तक क्या कर रही थी तू? अरे वो टप्पू को कॉलेज जाने में लेट हो रहा था ना, तो उसकी तैयारी करने में, आपकी चाय नाश्ते की तैयारी करने में मुझे देरी हो गई। अभी तेरी देरी की वजह से मुझे दुकान जाने में देरी हो जाएगी, उसका क्या? अरे वाह टप्पू के पापा, आपने मेरी देरी के साथ आपकी देरी को मिलाकर देरी देरी की चुक 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 गाड़ी बना दी। चल अब ये देरी देरी बंद कर, फटाफट चाय नाश्ता लेके आ जल्दी। क्या टप्पू के पापा हमेशा जल्दी 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 करते रहते हैं। आज तो थोड़ी देरी हो जाने दो। टप्पू के पापा आज एक दिन के लिए आप थोड़ी देरी से दुकान जाएंगे तो कौन सा बाहर टूटने वाला है? देरी कुमार सासू माँ रिटायर हो गए। किस चीज से? मेरे नए नए नाम रखने के व्यवसाय से। नए? क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं अभी आपने मेरा नया नाम रखा ना इसलिए। नहीं वो तो
बस ऐसे ही प्यार से मेरे देरी कुमार। अच्छा तो मेरी देरी कुमारी आज दुकान देर से भेज के आप आज इस देरी कुमार से घर पे क्या क्या करवाना चाहते हैं? झाड़ू पोछा बर्तन घर की साफ सफाई में से कुछ नहीं। हाँ तो आइए आइए। अरे कहाँ? ओहो आइए आइए। ओह अच्छा यहाँ सिर्फ आप और मैं इस हिचके पे बैठ के आए ने थोड़ी देर हिचेंगे। ओहो जब से घर में नया हिचका आया है हिचकने का बहुत मन कर रहा है मेरी हिचकड़ी। नए घर में हिचना बड़ा नहीं है। हाँ वो भी है। हाँ फिर चल थोड़ी देर हिचकते हैं। नए घर में हिच जाने दो। मम्मी। हाँ हाँ बेटा। हाय पापा। बराबर है बराबर है बैठ सकती है तू बराबर है। मम्मी मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना दीक्षा। हाँ मम्मी। हाँ बेटा अच्छी तरह से पढ़ाई करना और कॉलेज जाके मम्मी का पापा का और दादाजी का नाम रोशन करना। हाँ पापा जरूर करूंगा। 1000 रुपए दीजिए ना बेटा। 1000 रुपए में नाम रोशन हो जाएगा? नहीं नहीं मम्मी 1000 रुपए नाम रोशन करने के लिए नहीं अपने खर्च के लिए मांग रहा हूँ। पता है मुझे बेटा मजाक कर रही हो। ओ मजाक। एक मिनट शांति। अरे भाई तुझे पिछले हफ्ते तो 1000 रुपया दिया था फिर से 1000 रुपया क्यों चाहिए? पापा वो तो खर्च हो गए। इतने जल्दी खर्च हो गए? अरे 1000 रुपया कमाने में कितना कष्ट पड़ता है कुछ पता है तुझे? पता है ना पापा आप जब 5 मोबाइल बेचते हो तब जाके आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। ओ दीक्षा तो हिसाब किताब में कितना होशियार हो गया है। ओ होशियार सिर्फ प्रॉफिट गिनने से कुछ नहीं होता बेटा खर्चा भी गिनना पड़ता है। दुकान में लाखों का रोकण नट्टू काका बाघा मगन का पगार लाइट एसी का बिल वो सब कौन गिनेगा? ओ माय गॉड पापा आप इतने सालों से लॉस में बिजनेस कर रहे हो। तो भाई मेरी बात छोड़ तो अपनी बात बोल ये 1000 रुपया कहाँ खर्चा किया तूने? वो मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो उससे गिफ्ट और पार्टी देने में खर्च हो गए। क्या बराबर है क्या बराबर है इसमें? अरे जिसका बर्थडे होता है वो पार्टी देता है ना डॉट डाया हो क्या तुझे उसका पार्टी और गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? वो पापा हमारे ग्रुप में सब फ्रेंड्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि जिसका भी बर्थडे हो उसे बाकी के सारे फ्रेंड्स मिलकर पार्टी और गिफ्ट देंगे। ले बोलो। अरे ऐसे तो तेरे ग्रुप में तेरे 15 दोस्त होंगे तो साल के क्या 15000 तो लोगों को पार्टी और गिफ्ट देने में उड़ाएगा? नहीं पापा 15000 नहीं। हाँ 15000 नहीं 25000। हाँ मेरे 25 दोस्त है ना। ले बोल ले 15 नहीं इसका तो हर साल 25000 चाहिए उड़ाने के लिए। क्या हुआ सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रहा है? अच्छा हुआ बापूजी आप आ गए जरा इसको समझाइए टप्पू को बापूजी। क्या पिछले हफ्ते मैंने इसको 1000 रुपया दिया था वो उसने खर्च कर दिए अभी और 1000 रुपया चाहिए हिसाब मांगता हूँ तो बोल रहा है खर्च हो गए। टप्पू बेटा ये तो गलत बात है हिसाब तो देना ही चाहिए। तो बचपन में मैं मेले में जाता था बापूजी मुझे पावली देते थे तो उसका भी मैं पाई पाई का हिसाब देता था बापूजी को क्यों बापूजी? हाँ बराबर। और अगर मुझसे फिजूल की एक पाई भी खर्च हो जाती थी तो बापूजी बराबर हिसाब लेते थे। एक बार याद है बापूजी वो मैं मेले से 2 अलग अलग कलर की पिपुड़ी लेके आया था तो आपने मेरी कैसी पिपुड़ी बजा दी थी मेरा मतलब कितना डांटा था मुझे। हाँ याद है याद। नहीं मतलब पहले डांटा था लेकिन फिर प्यार से समझाया कि देख बेटा तू भले अलग अलग कलर की 2 पिपुड़ी लेके आया लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है बेटा क्योंकि इसमें से आवाज तो एक ही सरी का आने वाला है तो ये तो फिजूल खर्च हो गया ना। तो ऐसे तू भी सब फिजूल खर्च बंद कर और कॉलेज में जाकर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। नहीं बापू जी? हाँ बराबर टपूड़ा जेठिया सही कह रहा है। थैंक यू बापू जी। हाँ और टप्पू बेटा तुझे तो पता है ना कितनी मगजमारी और कितनी मेहनत के बाद तुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिला है, है? तो बेटा ऐसा पार्टी बार्टी गिफ्ट विफ्ट छोड़ के सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे बेटा। पापा पढ़ाई पर तो ध्यान दे ही रहा हूँ। अरे भाई तो सामने मत बोल जो बोल रहा हूँ सिर्फ सुन। खबरदार जो कॉलेज से तेरी कोई भी शिकायत आई है तो क्यों आएगी पापा? अरे फिर तू सामने बोल रहा है शिकायत क्यों आएगी? क्योंकि बचपन से मस्ती करना तेरी गढ़थूथी में है मतलब तेरे स्वभाव में है
इसलिए खबरदार जो कॉलेज से तेरी कोई भी शिकायत आई है तो, अगर कोई शिकायत आई तो बापूजी के सामने कह रहा हूँ मैं तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा, कॉलेज भी बंद कर दूंगा और तुझे सीधा दुकान पर बिठा दूंगा। मेरे परम मित्र जेठालाल ने अपने पुत्र टप्पू को पैसे की कीमत समझाई और साथ में उसे किस तरह से खर्च किया जाए ये भी सीख दी, और उसके अलावा एक बहुत बड़ी वार्निंग भी दी है कि अब कॉलेज से कोई शिकायत आई तो वो उसे दुकान पे बिठा दे। हर माँ बाप को ये लगता है कि उनका बच्चा शरारतों का एक संदूक है। हर माँ बाप बच्चों को इसलिए डांटते हैं ताकि वो सुधर जाए, पढ़ाई में ध्यान दे, और यही जेठालाल ने भी किया। लेकिन अब देखना यह है कि कॉलेज में टप्पू के साथ कोई शरारत होती है, टप्पू कोई शरारत करता है। इतना मैं जरूर जानता हूँ कि टप्पू एक ऐसी सिचुएशन में फंसने वाला है जिसकी वजह से गोकुलधाम सोसाइटी के एक सदस्य के सर पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब क्या होगी ये सिचुएशन, क्या होगी टप्पू के साथ शरारत, कौन होंगे ये सदस्य, ये सब आप ठहाकों के साथ देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैम ने तेरा आईडी कार्ड ले लिया। तूने ऐसा क्या किया? चालू क्लास में पेपर का रॉकेट बनाकर किसी और ने मैडम पर फेंका और नाम मुझ पर आ गया। तो क्या तुम मेरे सिक्स तक झूठ बोल रहे हैं? लेकिन दादाजी बस टप्पू, अब मैं ना ही तेरी बातों में आऊंगा और ना ही कॉलेज आऊंगा। मैंने तुझे बोला था ना कि कॉलेज से तेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, वरना तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा। खत्म, तेरा अभी सब खर्चा पानी बंद। अगर आज तेरे पेरेंट्स नहीं आए तो मैम तुझे आईडी कार्ड नहीं देगी। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।